हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज की वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपना BCEC 2020 का रैंक कार्ड। तो उसके लिए आपको जाना होगा अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर, और वहां पर आपको डाउनलोड सेक्शन में दो लिंक दिखेगा इसके अंदर, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्लिक करना है डाउनलोड रैंक कार्ड और BCEC 2020, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अब दो लिंक दिखेगा, जिसमें आप लोगों को दिखेगा PCM PCB ग्रुप और एग्रीकल्चर फील्ड में जो बच्चे होंगे उनके लिए। तो अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड या फिर एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए अप्लाई किए, तो आप लोग को नीचे वाले से अपना रैंक कार्ड डाउनलोड करना होगा। और अगर आप PCM PCB ग्रुप से किए होंगे, जो कि शायद फार्मेसी के लिए होता है, तो आप लोग को ऊपर वाले लिंक से क्लिक करके डाउनलोड करना होगा। तो आइए हम डाउनलोड करके देखते हैं रैंक कार्ड और BCEC PCM PCB ग्रुप। तो इस पर ओपन करने के बाद आपके सामने ओपन होगा एक और पेज, जिसमें आप लोग इंटर करना होगा अपना BCEC का रोल नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ। रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ सबमिट करने के बाद आपके सामने खुलेगा आपका रैंक कार्ड, जिसमें आपको दिखाया जाए आपका सारा डिटेल्स। अगर आप लोगों को, हमारे पास कोई डेटा नहीं है किसी भी स्टूडेंट का, नहीं तो हम आपको शो कर देते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इन सब चीज़ में। जनरली होता है आपका नाम, रोल नंबर वगैरह, और आपका जो रैंक होता है वो रैंक होता है, एक अनरिजर्व रैंक होता है और एक होता है आपका कैटेगरी रैंक। तो ये दो रैंक ही होती है जिसके ऊपर आप लोगों को कॉलेज में काउंसलिंग करना होता है। तो बाकी और भी अगर आपको कुछ पूछना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके पूछिए। और फ्रेंड्स, रैंक कार्ड डाउनलोड करके अपने पास सेव रखिए, और कुछ ही दिनों में इसका काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। तो हम लोग देख लेते हैं कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, उसके बारे में कोई नोटिफिकेशन आया है कि नहीं आया अभी तक। तो BCEC के ऊपर BCEC आप लोग देख सकते हैं कि अभी तक काउंसलिंग का कोई डेट नहीं आया है, ठीक है। हम लोग इधर में भी देख लेते हैं, UGEAC का अभी तक आया हुआ है, BCEC का सिर्फ एक आया हुआ है। तो ये सेम चीज़ें आपको दिखाया गया कि कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अपना रैंक कार्ड। तो इसमें आप देख सकते हैं कि रैंक कार्ड सिर्फ डाउनलोड करने के बारे में बताया गया है, इसके अलावा अभी तक कोई ऐसा लिस्ट नहीं आया है। तो अभी आप लोग अपना रैंक कार्ड डाउनलोड करके सेव रखिए, जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आप सबके। और इसके बाद जो भी अपडेट आता है, हम आप लोगों को फर्दर नोटिफिकेशन बता देंगे वीडियो के थ्रू। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।